आज मैं आपको क्वेश्चन एट जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चन एट जो है मैंने, आप देख सकते हैं, ये क्लास टेंथ की सीबीएसई के मैथमेटिक स्टैंडर्ड की ओसा सैंपल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2013 से लेकर 2020 तक दिए हुए हैं और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द एज ऑफ अ हेमिस्फीयर बाउल इज 132 सेंटीमीटर व्हेन पाई इज टेकन एज 22/7, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल इन सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2012 को आ चुका है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बाउल है, बाउल आपने देखा ना कटोरा, जो कि हेमिस्फीयर शेप का है, हेमिस्फीयर शेप का एक बाउल है जिसका कि एज जो है उसका सर्कमफेरेंस जो है ना वो 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मैं भी डायग्राम से आपको समझाऊंगी। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पाई जो है 22/7 लिया है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल इन सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर हमें बाउल की कैपेसिटी बतानी है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगी वॉल्यूम, या अगर मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब होगी वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर पावर 3 लगा हुआ है क्यूब, तो ये वॉल्यूम की ही यूनिट होती है। तो यहाँ पर फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल निकालने का मतलब है हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द बाउल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हेमी स्फीयर। तो सबसे पहले स्फीयर समझ लीजिए, स्फीयर किसे कहते हैं, आपने क्रिकेट बॉल देखा है ना, बिल्कुल उसी को कहा जाता है स्फीयर, ठीक है ना। क्रिकेट बॉल कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको सर्कल मत समझिएगा, क्रिकेट बॉल आप समझिए, वही क्रिकेट बॉल जो होता है वही है स्फीयर, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, देखिए ये है स्फीयर आपका, ठीक है, ये हो गया स्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होगा, आपने अपने घरों में बाउल देखा होगा ना, बाउल देखे होंगे, छोटे छोटे कटोरे जो होते हैं वो स्फेरी हेमिस्फेरी तो होते हैं। तो अब ये जो स्फीयर, इसका आप हाफ कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे बीच से काट दीजिए। तो बीच से काटेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आपको जो शेप नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से नज़र आएगा हाफ। तो ये है हमारा हेमिस्फीयर, स्फीयर का हाफ, और ये हमारा क्या है, बाउल है जो कि हेमिस्फीयर शेप का है। तो हेमिस्फीयर बाउल, ठीक है ना, हेमी स्फीयर बाउल, ये सेंटर है और ये रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये बाउल है, ठीक है। तो इस बाउल की क्या कैपेसिटी है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, क्या लिखा हुआ, हेमी स्फीयर बाउल, हमें यही निकालना है, ठीक है, यही हमें यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्फीयर का वॉल्यूम समझ लेते हैं। तो ये फुल स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हम जानते हैं 4/3 πr³, ये होता है, ये फुल स्फीयर का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर हमने हाफ लिया, अब क्या है, ये स्फीयर का वॉल्यूम है, तो यहाँ हेमी स्फीयर यानी कि आधे स्फीयर, तो आधा हेमी स्फीयर का क्या वॉल्यूम होगा। तो जो ये फुल स्फीयर का जो वॉल्यूम दिया ना, इसको हाफ कर देंगे तो ये जो निकलेगा ना, इसी को कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कैसे निकालेंगे, जो स्फीयर का जो फॉर्मूला है ना वॉल्यूम निकालने का, उसको आप हाफ कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसको हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए उसको निकालिए आप, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर बाउल क्या है, वो 4/3 πr³/2 हाफ कर दीजिए, जस्ट स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को जो फॉर्मूला उसका हाफ कर दीजिए, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, अब ये जो 2 है ना इसको 1/2 कर दीजिए। अब ये डिवाइड है, इसको जब इंटू में करेंगे डिवाइड को, तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं 1/2। तब देखिए ये 2 और ये 4 तो कट हो जाएगा, 2×2 = 4, तो क्या बचा, 2 और 2/3 बचा और πr³। तो अगर आप याद भी याद कर लीजिए, तो अगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर निकालने के लिए कहेगा तो सीधे याद कर लीजिए, 2/3 πr³, ये होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ, ये हमने फॉर्मूला बना दिया, हमें यही निकालना है वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फीयर बॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये निकालना है, तो अब यहाँ पर हमें रेडियस चाहिए भाई, पाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में बता दिया है कि 22/7 लेना है, तो 2/3 और ये पाई की वैल्यू भी है, लेकिन आर ये क्या है, आर पर क्या है, क्यूब लगा हुआ, तो ये रेडियस है, यानी कि ये रेडियस। तो अब रेडियस तो हमें पता नहीं, जब रेडियस पता होगा तभी तो हम निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि जो हेमिस्फीयर का एज है, एज मीन्स क्या, किनारा कोना, ये देखिए ये वाला, आप कटोरा को देखिएगा, बाउल को, तो ऊपर आपको क्या नजर आएगा, कटोरे के ऊपर एक सर्कल ही तो शेप नजर आएगा, जिसको कि एज ही है, एज ही, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, द सर्कमफेरेंस ऑफ द एज ऑफ हेमिस्फीयर बॉल, तो ये जो एज है पहले इसको समझ लीजिए, एज क्या, ये हमारा हेमिस्फीयर बॉल है, इसका एज ये हुआ, यही एज हुआ ना,
इसी को बोलना है एज, ये ऊपर वाला। तो ये जो इतना पोर्शन है ना, ये जो सर्कल शेप में दिख रहा है, केवल मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ इसको, ये यहाँ पर, ठीक है। ये और ये बीच में क्या है हमारा, ओ है, और ये रेडियस है। केवल एज में इसको एज बोलते हैं, एज, हेमिस्फीयर बॉल का एज ये है। तो ये इस इतना डायग्राम केवल मैंने यहाँ बना दिया। अब बोलना है कि द सर्कल, अब एज आप समझ गए, अब क्या बोला, द सर्कमफेरेंस ऑफ द एज ऑफ हेमिस्फीयर इज 132 सेंटीमीटर। ये एज हमने, हमें पता चल कि इसका सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया है 132 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब समझ लीजिए, सर्कमफेरेंस क्या होता है, देखिए ये जो ऊपर एज जो आपको दिख रहा है, हेमिस्फीयर बॉल का जो एज दिख रहा है, वो यहाँ मैंने बनाया, एक किस शेप का दिख रहा है, सर्कल ही तो दिखता है ना, सर्कल ही के शेप का तो रहता है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये सर्कल शेप है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर हम कहें कि इसका सर्कमफेरेंस बताइए सर्कल का, तो क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर जो एज है हमारा, इसका सर्कमफेरेंस किसके बराबर दिया हुआ, 132 के बराबर दिया हुआ। तो इस सर्कमफेरेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये जो 130 है, 132 क्या है, इस एज का सर्कमफेरेंस, और एज का सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कल की शेप का है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2πr इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस होता क्या है भाई, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। जैसे आप पेरीमीटर मतलब कि आप यहाँ से ब्रेक कीजिए इस वायर, जैसे मान लीजिए इसको एक वायर एज्यूम कीजिए, यहाँ से ब्रेक कीजिए और इसको सीधा कीजिए, तो इसका जो एक सिंगल लाइन बनेगा उसका टोटल लेंथ, उसी को पेरीमीटर कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो शेप है ना, सर्कल शेप का है जो एज है, तो यहाँ पर तो पहले से ही बता दिया गया है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, या सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। तो हर शेप का जो पेरीमीटर होता है उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b। उसी तरह से सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो हम यहाँ पर 2πr लगाएंगे, ठीक है। तो 2πr सर्कमफेरेंस किसके बराबर, 132 के बराबर। तो यहाँ से हम जो है ना आर ले लेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये सर्कमफेरेंस गिवन दिया हुआ है। इस सर्कमफेरेंस की हेल्प से हम यहाँ से रेडियस पता कर लेंगे, तब यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए ये 2πr इसका 132 सेंटीमीटर दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2, अब इनके बीच में क्या है, इनटू का साइन, इनटू लगाइए, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, इनटू आर कितना, आर हमें फाइंड करना है, और ये कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ऐसे पूरा लाइन बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, इसको अपॉन 1 कर दीजिए, कर सकते हैं ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये ऊपर वाला टर्म पूरा 1 से इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये इतना ही रहेगा, इक्वल टू 7 जो है, 7 जो है किससे इंटू होगा, 132 से, तो 7 × 132 सेंटीमीटर। हमें केवल आर की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म इंटू में इधर चला आएगा, तो 7 × 132/2 × 22 ये इधर नीचे चला आएगा, क्यों, क्योंकि इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, हमें आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 22 6 जा कट जाएगा 2 3 जा 6, तो क्या बच रहा है, 7 बच रहा है इंटू 3 सेंटीमीटर ये बच रहा है, तो रेडियस कितना आया, 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया 7 × 3, ये देखिए इंटू है 21 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस आ गया, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इसी हेमिस्फीयर बॉल का वॉल्यूम निकालना है, जो कि होता है 2/3πr³। तो चलिए निकालिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बॉल क्या होता है, 2/3πr³, ठीक है। तो 2/3 × π की वैल्यू क्या होती है, 22/7 r³। r की वैल्यू कितनी, 21³, और r की यूनिट जो है वो क्या है, सेंटीमीटर। तो r को आप 3 बार इंटू करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, r सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होता है, तो यूनिट क्या, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ लगा दीजिए, तो वॉल्यूम की यूनिट यहाँ लगाना है हमें, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या 2/3 × 22/7 × 21 पर क्यूब लगा, तो इसको 3 बार लिख दीजिए। अब देखिए 7 × 3 = 21, और ये 3 कैंसिल, क्या क्या बच रहा है, 2 × 22 और 21 × 21 सेंटीमीटर क्यूब ये बच रहा है। अब 2 और 22 कितना हो जाएगा, 44 इंटू 21, और 21 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 441 आ गया, इसको इंटू कर लीजिएगा, तो ये वैसे ये याद हो जाता है, तो 441 होता है इसको इंटू करने पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों इंटू कीजिए, तो 441, और नीचे क्या है, 44 इंटू कीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 कैरी 1 17, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, और ये 17 यहाँ हो जाएगा, तो 410,
और ये सात सात 14, ठीक है, 9 और देखिए फिर से देखिए 6 4 10 और यहाँ पर कैरी चढ़ गया तो यस 1, तो कितना आया 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है इस हेमी स्फेरिकल बॉल का, जो वॉल्यूम है ये है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होता, जहाँ भी कैपेसिटी बोलेगा तो यहीं समझ लीजिए वॉल्यूम निकालना है। तो ये इसका आंसर है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।